अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सजन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के भाग लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, ओ, पलकों की छाँव में। वैसे हमने आपसे कुछ पूछा है, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। एक बात बता दूं, हम बहुत जिद्दी हैं। बोलिए। अब चले गए, चिंतन की सजा खत्म हो गई। चलो जवाब तो मैं लेकर ही रहूंगा। अरे कोई पानी के लिए पूछेगा? प्यास से गला सूखा जा रहा है। पानी। श्यामली तुम? तुम कब आई? बस कुछ देर पहले। कैसी हो श्यामली? बिल्कुल ठीक हूँ। श्यामली, ये मेरी सबसे अच्छी सहेली सुमन। सुमन, ये है श्यामली। अच्छा, तो तुम दोनों क्या वैसे ही दोस्त हो जैसे मैं और करण? दोस्त? और तुम्हारा? अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। तब तक आप दोनों डिसाइड कर लो कि कौन किसका दोस्त है। अब करण भैया का हाल देखना, कैसे इसे पीछा छुड़ाएंगे। क्या? बचपन में भैया ने इसको छत से गिरते हुए बचा लिया था, तब से बस पीछा ही छुड़ा रहे हैं। अरे कंचन सुमन, महाराज की तबीयत खराब है, जरा मेरी रसोई में मदद कर दो, बहुत सारा काम। सुनो कंचन बेटा, ये लिस्ट बनाई मैंने, सामान मंगवा दो। और सुमन बेटा, सलाद काट देना, बहुत कुछ बनाना बाकी है, जल्दी जाओ कंचन। हाँ ठीक है मम्मी।
और हमारे लिए कोई आदेश? लड़के कभी रसोई में काम करते हैं क्या? तुम बाहर जाकर खाना खाने का इंतजार करो बस। क्यों माँ, रसोई में सिर्फ हम औरतें ही मेहनत करें? तुम तो हर वक्त मेरी बात का गलत ही मतलब निकालती हो। मेरे कहने का मतलब है कि लड़के रसोई में अच्छे नहीं लगते, बस औरतें ही अच्छी लगती हैं। माँ, कई बार रात में ना हमारा खाना बनाने का मन ही नहीं करता, तो टिकू के पापा हमारी मदद कर, पता चला तुमने उनकी अच्छी आदत ही बदलवा दी। हे भगवान। चल करण, सुमन का सलाद काटने में हाथ बटा। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, सुबह से करण ने खाने के लिए शोर तक नहीं मचाया। और कब से बाहर निकला है, बात क्या है भाई? अभी मन नहीं कर रहा माँ, जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। अब ये तेरे मन को क्या तकलीफ हो गई? बस कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ, जवाब मिल जाएंगे तो भूख भी लग जाएगी। आओ जल्दी आओ, यहाँ रख दो अच्छे से संभाल के। बस ये सब क्या है भाई? ये हम दोनों के कपड़े हैं जो शादी में पहनने हैं। कैसे लगे? अच्छे हैं। लगता है आपने अभी इन कपड़ों को गौर से देखा नहीं। अरे देख लिया है भाई, अच्छे हैं और क्या। अच्छे? हमने एक महीने मेहनत की और सिर्फ अच्छे। अच्छा भैया बहुत अच्छे हैं। लाओ दिखाओ। नहीं, हमें शर्म आती है। चंद्रिका जी, आप ऐसे शर्मा रही जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो, है बात क्या है? क्यों नहीं दादाजी, हमारी दादी ने काम ही तो नई नवेली दुल्हन वाला किया है। मतलब? मतलब मैं समझाती हूँ, देखिए। दादी जब ये साड़ी पहनेगी, आपको ये कुर्ता पहनना होगा क्योंकि इस कुर्ते में इस रंग का वर्क है। और जब दादी ये ब्लू साड़ी पहनेगी, तब आपको ये ब्लू रंग का कुर्ता पहनना होगा। अरे बाप रे, मतलब आपको दादी के साथ कोऑर्डिनेट करके कपड़े पहनने होंगे। क्या बात कर रही है बेटा चंद्रिका जी, अरे इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है। लो, एक महीने मेहनत की और उसका ये फल मिला। अरे अभी पहनेंगे ओढ़ेंगे नहीं तो क्या स्वर्ग से दादी के बाद पहनेंगे? जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। लो। ये क्या दादाजी, आपने नाराज कर दिया ना हमारी दादी को। अच्छा भैया माफ कर दो, गलती हो गई। माफी तभी मिलेगी जब हमारी बात मानी जाएगी। अरे ये कोई जबरदस्ती है क्या है? अपनी बात मनवाने का ये क्या तरीका हुआ? हंसी खुशी आपने कभी बात मानी है हमारी? अच्छा भैया जैसे कहोगी वैसे कर लेंगे। तुम लोगों से बहस करने का कोई मतलब? सुनिए, थैंक यू। वाह दादी, ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी बात मनवाने का, टू गुड। तू भी सीख ले, आगे काम आएगी। Thank you.
आपने खाना खाने से मना क्यों किया? हमने आपको पहले भी बताया था, हमें अपने जवाब का इंतजार है। आप जवाब दे दीजिए, हम खाना खा लेते हैं। ठीक है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो बताइए मैं कैसा लगता हूँ? हे भगवान, तू यहाँ खड़ी है? वहाँ नीचे आंगन में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं रंगोली के लिए, चल। टीकू, इधर आ, इधर इधर। मेरा एक काम करेगा, ढेर सारी चॉकलेट दूंगा। एक मिनट, तुम यहीं रुकना। जाके अपनी सुमन दीदी को दे दो, किसी दूसरे के हाथ में मत देना। Don't worry, मामा, ये काम मैं अच्छे से कर लूंगा। शाबाश मेरे जेम्स बॉन्ड, एक मिनट रुक। All the best. ठीक है, तुम जाओ। अरे टीकू, टीकू कहाँ जा रहा है बेटा? इधर आ। नाना जी, मैं अपने काम से जा रहा हूँ। काम से जा रहे हो? चलो ठीक है, फिर तुम्हारे नाम की चॉकलेट हम खा लेते हैं। चाहिए? हाँ। तो इधर आओ पहले, ये लो। ओ गॉड, ये टीकू तो ले डूबेगा, कहीं दादाजी ने एनवेलप देख लिया तो। एक मिनट, ये तुम्हारे हाथ में क्या लिफाफा है, दिखाओ मुझे। नहीं नाना जी, ये मेरा काम का लिफाफा है। बेटा देखो, ये काम की चीज है, पता नहीं किसकी चिट्ठी है। लाओ मुझे दिखाओ, दिखाओ। चॉकलेट नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए तो लिफाफा दिखाओ। जाओ, हम भी चॉकलेट नहीं देते। चॉकलेट दो ना। चॉकलेट देते हैं, पहले चिट्ठी दिखाओ। मारे गए अब तो। नाना जी, इसे मत खोलिए, मेरा काम का लेटर है। ओ, तो अब टीकू इतना बड़ा हो गया कि चिट्ठी भी लिखने लग गया। किसको चिट्ठी लिखी है? मेरे फेवरेट चॉकलेट के नाम पे, जो मुझे पापा से मंगवाना है।
किसी दूसरे की चिट्ठी को खोलते थोड़ी है। लो जाओ। और ये तेरे हाथ में क्या है? Oh no. ये तो किसी का लिफाफा लगता है। कहां से लिया? ला दे मुझे। अरे किसी मेहमान का होगा ना तो उन्हें रुकने का बहाना मिल जाएगा, कहेंगे हमारे सामान की सुरक्षा ही नहीं है इस घर में। ला दे मुझे। टीकू तू बहुत जिद्दी हो गया, मार खाएगा अब हमसे। ला दे दे। अरे 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 टीकू क्या क्या हुआ, क्यों तंग कर रही है उसको? ये देखिए क्या है इसके हाथ में। अरे कुछ नहीं, इसने ना अपने पापा को एक चिट्ठी लिखी है। और ये आपको कैसे मालूम है? कौन कहेगा, इसने खुद मुझे बताया। क्यों टीकू बताया ना? ABCD तो ठीक से लिखना आता नहीं है इसे, और लेटर लिखेंगे जनाब, किसी मेहमान का उठा लिया होगा। ला दे मुझे। लेटर में क्या लिखा है जिसे अपना बता रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही खराब लिखावट है, जैसे कोई कीड़ा चलता गया और टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचती गई। करण जी को बुरा क्यों लगा? हे भगवान, कहीं ये खत उन्होंने ही तो नहीं लिखा था। हमारी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। माना हम बचपना करते हैं मगर सबके साथ नहीं। हमें तो लगा था कि आप हमारे बचपने को समझेंगी मगर हम गलत थे। आपको तो लगा कि हम आपको परेशान करते हैं। ठीक है, डोंट वरी, आइंदा से ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा। I'm sorry. अगर हमारी किसी भी बात का बुरा लगा हो, लेकिन हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया।
हमें नहीं पता था कि वो लेटर आपने लिखा है। सॉरी। बेटा जल्दी से दोबारा लेटर लिख दो। क्यों? वो हमसे लेटर गिर गया था और कुछ कुछ मिट गया था। देखो देखा, हमने आपसे कहा था ना, जब तक हम आपके पास हैं आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं होने देंगे। सॉरी, हम अपनी सारी बातें वापस लेते हैं। सॉरी। अरे आप क्या कर रहे हैं? तो बोलिए, आपने हमें माफ कर दिया? हाँ, माफ किया। सच में माफ कर दिया? आप है ही इतने अच्छे कि आपसे कोई नाराज हो ही नहीं सकता। माँ भी यही कहती है। तो अब तो आप खाना खाएंगे ना? ना, वो जिद तो रहेगी। पर आपको आपका जवाब तो मिल गया। कब मिला? अभी तो कहा, जो आपकी माँ अक्सर आपको कहती है। आप है ही इतने अच्छे कि आपसे कोई नाराज हो ही नहीं सकता।